हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज करने वाले अनबॉक्सिंग। अनबॉक्सिंग आज हम ऐसी चीज़ की करने वाले, डिजिटल कोरिया पाउच, जो मैंने फ्लिपकार्ट से परचेज किया था और ये मुझे आकर मिला है यहाँ पर 400 रुपये में। डिजिटल काफ़ी अच्छी ब्रांड है जो अच्छे ब्रांड बनाती है और मैं जितने भी ब्रांड यूज़ करता हूँ डिजिटल के ही करता हूँ। ये है अपना बॉक्स, ये बॉक्स है डिजिटल कोरिया पाउच का, ये फ्लिपकार्ट का लोगो है। इसमें हम करने वाले इसकी अनबॉक्सिंग, चलो कर लेते हैं। पहले इसके अनबॉक्सिंग खोल लेते हैं, बॉक्स को ओपन करते हैं। ये हो चुका है बॉक्स ओपन। ये इस तरह से इसमें बॉक्स मिलता है और इसके अंदर एक और बॉक्स मिला है। गाइस, बॉक्स ओपन हो चुका है और इसके अंदर हमको एक और बॉक्स मिला है, तो इस वाले बॉक्स को रखते हैं साइड में। ये वाला बॉक्स मिला है, इस वाले बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। ये वाला बॉक्स ओपन हो चुका है। ये इस तरह से आता है डिजिटेक का गोरिल्ला पॉड। तो ये वाला माउस मिलता है इसमें, जो हमारे फ़ोन को काम आता है, इसमें आप फ़ोन लगाते हैं, ये वो वाला माउस है। तो इसमें बताऊंगा स्टेप बाई स्टेप, इसका मैं आपको रिव्यू भी दिखाऊँगा एंड पूरी डिटेल्स बताऊँगा। तो इसका बॉक्स कुछ इस तरह से ही आता है, कुछ सिंपल बॉक्स है, कुछ ऐसा वैसा कुछ है नहीं इसमें। तो इसको साइड में रख देते हैं। तो ये है अपना गोरिल्ला पॉड, तो ये वाला गोरिल्ला पॉड है। और इसमें हम क्या क्या लगा सकते हैं मैं आपको बताऊंगा। इसमें हम फोन को भी यूज़ कर सकते हैं, DSLR कैमरा को भी यूज़ कर सकते हैं एंड GoPro को भी यूज़ कर सकते हैं इसमें। और इससे हम, यदि आप भी ब्लॉगिंग करना चाहते हो तो ये गोरिल्ला पॉड होना चाहिए। और इसकी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा आपको, जहाँ से आप इसको परचेस कर सकते हो। तो चलो करते हैं पहले इसकी अनबॉक्सिंग, ओपन करते हैं। ये वाला कुछ इस तरह से हम इसको रख सकते हैं और जिस तरह से आप एंगल फिट करना हो आपको, उस तरह से आप एंगल सेट कर सकते हो उसमें। ये वाला तो ये वाला सबसे अच्छा मुझे इसकी वो खासियत ये मिली कि इसको हम फोल्डेबल इधर भी कर सकते हैं। ये देखो, तो इसमें हम पहले लगाने वाले हैं अपना एक्शन कैमरा। ये रहा अपना एक्शन कैमरा और हम इसको फिट करेंगे इसमें। इसको इसमें आप मोबाइल यूज कर सकते हो, लेकिन मैं इसमें एक्शन कैमरा यूज कर रहा हूँ। और इसको हम कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं, यदि हमको इसको कहीं रखना हो तो रख भी सकते हैं। और इसको हम बाइक पर लगाना चाहते हो बाइक पर भी लगा सकते हैं। ये कुछ इस तरह से इसमें एक्शन कैमरा लग गया है और ऐसे इसमें एंगल लेना पड़ता है ऐसे। ये मुझे यार काफ़ी अच्छा लगा। चलो अब करते हैं इसका रिव्यू। अब हम आपको इसको लगा कर दिखाएंगे बाइक में, कि बाइक में लगा कर इसको किस तरह से शूट किया जा सकता है, कैसे एंगल फिट किया जाता है। तो चलो लगाते हैं पहले इसको बाइक में। तो बाइक में कुछ इस तरह से लगाएंगे इसको। तो ये लग चुका है अपना, इसमें ऐसे कुछ फिट हो जाता है। और अपना करते हैं एक्शन कैमरा को ओपन। ये हो चुका है अपना एक्शन कैमरा ओपन। ये हो चुका अपना एक्शन कैमरा, ये हो चुका अपना एक्शन कैमरा स्टार्ट। और बाइक को करते हैं स्टार्ट, चलो चलते हैं। तो यार ये काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे, तो इसमें बहुत ही बढ़िया फिट हो गया है। और अब आपको हम इसको दिखाएंगे, दूसरी तरह से भी दिखाएंगे। पहले इस तरीके से इसको देख लेते हैं किस तरह से एंगल लिया जाता है। तो ये थोड़ा हिल रहा है, बाकी वैसे कंफर्टेबल फील हो रहा है मुझे। तो ऑफ रोडिंग के लिए ये बहुत ही अच्छा है। गाइस, हमने आपको इसको बाइक में तो लगा कर दिखा दिया है, यदि आप अकेले हो और आपको शूट करना हो तो इसको इस तरह पेड़ में भी टांग कर कर सकते हैं, जो मैं आपको दिखा रहा हूं। और कुछ इस तरह से इसको शूट ऐसे बांध कर कर सकते हैं और ये ऐसे चिपक जाता है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यही है। और ये देखो, ये ऐसे भी इसको लगा सकते हैं।
तो आप देख चुके हैं, जो इस तरह से भी लगा सकते हैं, और बाइक में एक और जगह लगा सकते हैं वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो ये देखिए, और यहाँ पर भी आप इसको लगा सकते हैं। इसको आप जहाँ आपका मन करे ना वहाँ आप इसको एंगल सेट कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसा हो नहीं पा रहा, लेकिन हो जाएगा यहाँ पर। ये आप जहाँ लगा सकते हो वहाँ लगा सकते हो इसको। तो चलो अब कर गाइस, आप इसकी पूरी अनबॉक्सिंग और रिव्यू तो देख चुके हैं। तो इसकी वेट की बात करें तो 1 kg वेट उठा सकता है, और ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। यदि आपको भी परचेस करना हो तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया, जो मैं पहले बोल चुका हूँ। और यार, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल पर सब्सक्राइब कर दिया करो चैनल को, और वीडियो को लाइक कर दिया करो। मुझे बताया करो यार मेरे कंटेंट में कहाँ कमी आती है, जो आप काफ़ी अच्छे, मुझे लाइक भी नहीं आ रहे, नहीं व्यूज़ आ रहे हैं वीडियो पर। तो चलो करते हैं इस वीडियो का एंड, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।